Hello friends, this is Rajkumar Yadav, and now we are going to continue with this chapter, that is 1.5 topic evaporation. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? Can you quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? Water, when left uncovered, slowly changes into vapor. Wet clothes dry up. What happens to water in the above two examples? Dekho, आप कोई भी ऐसा एग्जांपल देख सकते हैं क्या क्या कि रियल लाइफ में जब लिक्विड धीमे धीमे वेपर में कन्वर्ट होता है तो ज़रूरी है क्या कि वो लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर रीच अप करेगा तभी वो वेपर में कन्वर्ट होता है। जैसे कि हमने कपड़े सुखाने के लिए रखे हैं तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो वाटर लिक्विड जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है? नहीं ना, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तो होता नहीं है टेम्परेचर हमारे सराउंडिंग्स का, फिर भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो वही सब इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट ये पैराग्राफ में, कि हमें हर बार हीट या फिर प्रेशर चेंज करना पड़ता है अगर हमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज करना है तो? नहीं। तो ऐसे कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स आप बता सकते हैं जिसमें कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट रीच आउट होने से पहले वो लिक्विड में, सॉरी, वेपर में कन्वर्ट हो गया? अब जब पानी जब आपने बाहर रखा हुआ है, अनकवर्ड है, तो वो धीमे धीमे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही जैसे कि गीले कपड़े अपने बाहर रखे हैं तो वो धीमे धीमे सूख जाते हैं, राइट? तो क्या होता है इन ऐसे दोनों सिचुएशन में, पानी के साथ होता क्या है वो हम आगे देखेंगे। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हमें पता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी भी रुके हुए नहीं होते। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोई भी गिवन टेम्परेचर पे, भले वो लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, तो उसके पार्टिकल्स के अंदर अलग अलग अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स के केस में क्या होता है, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। अब लिक्विड के केस में देखते हैं कि जो कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो सरफेस के ऊपर होते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के बाकी सारे जो नीचे के पार्टिकल्स हैं उनके साथ जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको वो तोड़ के बाहर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, राइट? तो वो उसको आराम से अंदर वाले पार्टिकल्स के साथ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ के वो आराम से बाहर निकल जाते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। This phenomenon of change of a liquid into vapors at any given temperature below its boiling point is called evaporation. मतलब evaporation एक phenomenon है, किस चीज़ का? Change of liquid into vapors. मतलब liquid vapors में convert हो जाता है किसी भी given temperature पे, लेकिन वो temperature boiling point से कम होना चाहिए। So this is the definition of evaporation. You can underline or you can write down. Very important. Then now next topic 1.5.1 factors affecting evaporation. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो evaporation को अफेक्ट करते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से evaporation फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है, राइट? इसको समझने के लिए हम ये एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1.14. सो इसमें फर्स्ट केस में क्या है कि आप है ना 5 ml पानी लीजिए, 5 ml पानी एक टेस्ट ट्यूब में डालिए और उसी टेस्ट ट्यूब को आप खिड़की के पास या फिर पंखे के नीचे रख दीजिए। सेकेंड पॉइंट में ऐसा लिखा है कि 5 ml वाटर आप फिर से लीजिए और इस बार उसको आप ओपन चाइना डिश में या फिर ओपन एक थाली में, ठीक है, चाइना डिश नहीं है तो थाली है या रकाबी है जिसमें भी, उसमें आप रख दीजिए और उसको आप खिड़की के नीचे या फिर पंखे के नीचे रख दीजिए। तीसरे केस में आप 5 ml पानी लीजिए ओपन चाइना डिश में और इस बार उसको रखिए कबोर्ड में या फिर बुक शेल्फ में या फिर शेल्फ में रखिए अपने क्लास के। इन सब में आप ना रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड कीजिए। अब रिकॉर्ड ये भी कीजिए आप कि कितना टाइम लगा या फिर कितने दिन लगे इवेपोरेशन का प्रोसेस होने में इन तीनों केसेस में। अब यही तीनों जो स्टेप थे पहले वाले, वो तीनों स्टेप्स आप फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार दिन होना चाहिए रेनी डे, मतलब बरसात वाला दिन या फिर बरसात का सीज़न चलता है तब, ठीक है, रेनी सीज़न होना चाहिए। और उस टाइम पर अपने ऑब्जर्वेशन आप रिकॉर्ड कीजिए। ईजिली कोई भी बच्चा बता देगा कि हाँ सर, रेनी सीज़न होगा तो उस टाइम पर इवेपोरेशन नहीं होगा, राइट? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अलग होता है, ठीक है, ऊपर के तीनों केस में टेम्परेचर अलग होगा, फिर सरफेस एरिया अलग मिलेगी, विंड वेलोसिटी
इवेपोरेशन की अलग हो गई। तो हम अब इन फैक्टर्स को ध्यान से पढ़ेंगे कि करके यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। अब आपको पता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कब होता है, जब सरफेस एरिया इंक्रीज होती है, राइट, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, या फिर जब आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, या फिर आप वातावरण में से मतलब एनवायरमेंट में से आप ह्यूमिडिटी को कम कर दो तो होगा। और चौथा और लास्ट पॉइंट है कि जब विंड वेलोसिटी या फिर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन और भी फास्ट हो जाएगा। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलो, फर्स्ट, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। आपको पता है इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना ही है, क्यों? क्योंकि लिक्विड की जो सरफेस है, जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहती है, वही सरफेस के पार्टिकल्स ही बाद में लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो पाते हैं, क्योंकि उनको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिल पाती है सराउंडिंग में से। इसलिए फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। जब आपको कपड़े सुखाने होते हैं तो हम लोग उसको गोल बना के तो सुखाते नहीं है ना, राइट, हम उसको पूरा फैला के सुखाते हैं, हम उस टाइम पे उसकी सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तब वो सूख जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। अब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकेंगे। थर्ड पॉइंट, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आखिर है क्या? ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जो ह्यूमिडिटी है वो मतलब कि एयर के अंदर कितना वाटर का कंटेंट है वो दिखाती है ह्यूमिडिटी। द एयर अराउंड अस कैनॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। हमारे आसपास की जो हवा है ना, एयर, तो वो एक एक लिमिट तक, एक फिक्स अमाउंट तक ही वो वाटर को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, तो उतना ही वो होल्ड कर पाती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। अब आप अगर एयर के अंदर वाटर का कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है पहले से, ठीक है, इनफ है, तो वो एयर एक्स्ट्रा वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो उस टाइम पे इवेपोरेशन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या है, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। अब आपको पता है कि जिस दिन हवा ज़्यादा तेज चलती है तो उस दिन क्या होता है, उस दिन कपड़े तेज़ी से सूख जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ती है तो जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं ना वो भी हवा के साथ बह जाते हैं, तो सराउंडिंग में वाटर वेपर के पार्टिकल्स निकल गए, ठीक है, वो सराउंडिंग में से वाटर वेपर को ले गए अपने साथ, तो उसके वजह से सराउंडिंग में क्या होगा, सराउंडिंग में ज़रा भी ह्यूमिडिटी नहीं होगी, वाटर वेपर नहीं होगा, राइट, और इवेपोरेशन फास्ट होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, 1.5.2, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होता है, मतलब इवेपोरेशन से ठंडा जो एहसास होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है? इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। अब खुले बर्तन में अगर आपने कुछ पानी रखा है तो वो ऑब्वियसली इवेपोरेट होगा ही होगा, ठीक है, वो इवेपोरेट होता रहता है, या फिर स्मॉल अमाउंट में या फिर जल्दी, लेकिन होगा ज़रूर। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। अब वो जो लिक्विड के पार्टिकल्स जिन्होंने बाहर से सराउंडिंग में से जो एनर्जी गेन करके वो बाहर निकले थे जब, ठीक है, तो जब वो लिक्विड के पार्टिकल्स बाकी सारे सरफेस वाले, ठीक है, सरफेस वाले लिक्विड के पार्टिकल्स जब बाहर निकले और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो उन्होंने कुछ एनर्जी लूज की, ठीक है, लिक्विड में से वो जब गैस में कन्वर्ट होते हैं तो वो एनर्जी कुछ लूज़ करते हैं, वही एनर्जी उनको वापस फिर से चाहिए होती है, उनको जब वो वापस रीगेन करते हैं गैशियस स्टेट में जाके वो वापस फिर से एनर्जी रीगेन करते हैं सराउंडिंग में से, तो सराउंडिंग में से एनर्जी चली गई इन पार्टिकल्स के पास में, राइट, इसीलिए सराउंडिंग्स ठंडी हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। ऑलराइट, व्हाट हैपेंस व्हेन वी पोर सम एसीटोन दैट इज़ नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। अब आपने अगर ये ऑब्जर्व ना किया हो तो एक बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है उसका केमिकल नेम है एसीटोन। उसको अगर आपने हथेली पे थोड़ा सा गिराओगे, ठीक है, तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवोपरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। तो हमारे जो हथेली की जो गर्मी है ना, हमारे हथेली की जो एनर्जी है वो ये एसीटोन के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
ठीक है, या फिर हमारे सराउंडिंग में से, या फिर हमारी हथेली के ऊपर की एनर्जी जो हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इवोपरेट हो जाते हैं, राइट। तो हमारे हथेली की जो एनर्जी थी वो तो ये एसीटोन के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करके ले गए और वेपर बन गए खुद, तो हमें ठंडा फील होता है अपने हाथ पे। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। तो जैसे कि अगर बहुत गर्मी का टाइम चल रहा है मान लो, ठीक है, हॉट सनी डे है, तो उसके उस टाइम पे क्या होता है कि लोग ज़्यादातर पानी पानी फेंकते हैं अपने छत पे, ठीक है, या फिर बाहर के ग्राउंड पे। क्यों? क्योंकि ये बाहर का ग्राउंड या फिर ऊपर की छत है, उसका जो सरफेस है वो सरफेस में से जो एक्स्ट्रा हीट है वो एक्स्ट्रा हीट वाटर के पार्टिकल्स खींच लेंगे, राइट। इवोपरेट तो हो जाएंगे लेकिन वही पार्टिकल्स छत की जो सरफेस है उसकी हीट को खींच लेंगे, ग्राउंड के सरफेस की हीट को खींच लेंगे और इवोपरेट हो जाएंगे। इसके वजह से ग्राउंड ठंडा हो जाएगा, आपकी छत की सरफेस वो ठंडी हो जाएगी, राइट। सो कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ वेदर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवोपरेशन। तो मतलब डेली लाइफ में से आप कोई और एग्जांपल दे सकते हैं क्या जिसमें कूलिंग का इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ इवोपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? समर के टाइम पे हमें कॉटन क्लोथ्स क्यों पहने चाहिए? बिकॉज ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। तो समर के टाइम पे क्या होता है, हमें ज़्यादा पसीना आता है, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो खुद को ठंडा करने का मैकेनिज्म है, राइट। हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी गेन करती है ना सराउंडिंग में से, उसको वो बाहर निकालना चाहती है। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो बॉडी वो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी बाहर कैसे निकालती है? पसीने के द्वारा, राइट। वी नो दैट ड्यूरिंग इवोपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सर्फेस एंड चेंज इन टू वेपर। हमें पता है कि इवोपरेशन के टाइम पे क्या होता है, जो लिक्विड की सरफेस है उसके पास के लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स सराउंडिंग में से एनर्जी को गेन करते हैं और फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। अब कितनी कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है? उतनी जितनी की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है हमारे बॉडी की, उतनी उतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और फिर हमारी बॉडी को ठंडा महसूस होता है। तो कॉटन कॉटन एक गुड एब्जॉर्बर है वाटर का, ठीक है, तो वो वाटर को आराम से एब्जॉर्ब कर पाता है। इसके वजह से हमारा जो पसीना है वो कॉटन का जो कपड़ा है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो अगर हमने गर्मी के टाइम पे हमें पसीना हो रहा है उस टाइम पे हमने अगर कॉटन के क्लोथ्स पहने तो कॉटन के क्लोथ्स उस पसीने को जल्दी सोख लेंगे, ठीक है, तो वो बॉडी में से निकल के हमारे कपड़े में आ गया। अब वही कपड़े से फिर एटमॉस्फेयर में आराम से चला जाता है, ठीक है, क्योंकि उसी सरफेस के ज़रिए वो वाटर के पार्टिकल्स फिर बाद में इवेपोरेट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें ठंडा लगता है। व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? क्यों? मतलब अगर हम फ्रिज में से जैसे कुछ कोई बॉटल निकाली ठंडी से, ठीक है, उसको निकाल के हमने रखा बाहर और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसी बॉटल के आसपास में ना पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स चिपकी हुई होती हैं, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द टम्बलर, राइट। तो कुछ देर बाद हम देखते हैं ना कि वो टम्बलर के आसपास में वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं उसके सर्फेस पे। द वाटर उसका रीज़न यहाँ पे है, अब देखो, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। अब जो वाटर वेपर ऑलरेडी जो एयर में प्रेजेंट था, ठीक है, वो वाटर वेपर जो पहले से एयर में प्रेजेंट था, अब वो एयर जब इस कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आती है, कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आती है, तो वो एयर जो एकदम कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में है, ठीक है, एकदम उसके बॉडी पे है, तो वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देती है और वो बाद में कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में। मतलब वो वाटर वेपर जो एयर के अंदर पहले से था, अब आपने जब फ्रिज में से पानी निकाला ठंडा ठंडा, ठीक है, बॉटल में, तो उस बॉटल के साथ वो सारे एयर के वाटर वेपर के पार्टिकल्स उसके साथ कांटेक्ट में आ गए, तो वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं।
जिसके वजह से हम वाटर ड्रॉपलेट्स देख पाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हुआ। ये जो पार्ट है मोर टू नो पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, क्यों? क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में है, ठीक है। तो अभी इसमें सिर्फ मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। अभी साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि अभी 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि हाँ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके सिवाय 2 और हैं, प्लाज्मा और बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो आपके एग्जाम में और आपके 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो प्लाज्मा और बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बाद में, राइट। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। लेकिन इस चैप्टर की समरी, जैसे कि लिखा है ना, व्हाट यू हैव लर्न्ड, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते लेकिन फिर भी आपके पास बहुत कम टाइम है मान लो, तो आप उस कम टाइम के अंदर भी ये सब पूरा पढ़ सकते हैं। एक बार चलो देख लेते हैं, ठीक है। सो मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैस। द स्पेसेस इन बिटवीन द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैस। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ सॉलिड्स। सबसे ज़्यादा सॉलिड के केस में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, वाइल फॉर गैसेज देर इज नो ऑर्डर, पार्टिकल्स जस्ट मूव अबाउट रैंडमली। स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल। अब स्टेट्स ऑफ मैटर इंटरकन्वर्टिबल है, मतलब लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड बन सकता है। द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। अब अगर आप स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज करना चाहते हो तो आपको टेम्परेचर या तो प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैशियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट एंड वाइस वर्सा। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें गैशियस स्टेट में से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। बीच में लिक्विड वो बनता ही नहीं है, गैशियस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीच में वो लिक्विड बनेगा ही नहीं। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग अगर होता है तो वो एक या दो पार्टिकल्स के लिए नहीं होता, वो बॉइलिंग पूरा का पूरा बल्क फिनोमेना होता है, मतलब पूरे का पूरे ग्रुप के लिए होता है। एक बड़े से ग्रुप के साथ ही बॉइलिंग हो पाता है। द पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर। तो जो लिक्विड हैं, सॉरी, जो पार्टिकल्स हैं बल्क के, उस बल्क के पार्टिकल्स अपने आप को लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इवोपरेशन क्या है? इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इन टू वेपर स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है, आपका एक तरह से रिविजन हो जाता है इसमें, ठीक है। रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड ऑन द सर्फेस एरिया एक्सपोज टू द एटमोसफियर, द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड। तो अगर क्वेश्चन पूछें कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स, तो आप ये लिख सकते हैं ना कि द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड। इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है? कूलिंग होता है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में दोनों डेफिनेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या लिखा है? द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड टू गैस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वो हीट एनर्जी जो चाहिए 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एट नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर और उसके बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, उतनी हीट एनर्जी जितनी आपको चाहिए कि आप 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सको उसके मेल्टिंग पॉइंट के टाइम पे। ऑलराइट, अब ये सारे कुछ पॉइंट, ये कुछ टेबल है जो आप रिमेंबर कर सकते हो कि टेम्परेचर को का यूनिट क्या है? केल्विन, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। उसका सिंबल है के, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, वेट का न्यूटन, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, देन प्रेशर का पास्कल, बाकी सारे ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है, जो आपको किसी भी टेस्ट में प्रिपेयर करने के लिए काम में आए। एक तो ये क्वेश्चन, ठीक है, वाई वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर, ठीक है, इसका पैराग्राफ में से आप लिखिएगा। दूसरा ये कि वाई वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग, ठीक है। और बाद में ये भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप इवोपरेशन के फैक्टर्स को देखते हैं कि वॉट आर द फैक्टर्स विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवोपरेशन।
इवेपोरेशन के रेट को इंक्रीज़ करने के लिए ये चार फैक्टर्स, ऑलराइट। फिर दूसरा ये इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के चेंज होने से, हाँ ये सॉलिड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एग्जांपल है जिसमें प्रेशर को डिस्कस किया गया है वो भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है ना, दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड और गैस। एक्सप्लेन, ऐसा एक स्टेटमेंट देते हैं ना, पता है कि एक स्टेटमेंट देते हैं फिर बाद में लिख देते हैं कि एक्सप्लेन या फिर जस्टिफाई करो। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर दे डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी लिक्विड सॉलिड और गैस। तो आप उसको जस्टिफाई करने के लिए इतना लिख सकते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दे सकते हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक ये चैप्टर में जो भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं तो आप दे सकते हैं ताकि मैं अपना टीचिंग इम्प्रूव कर सकूँ। कोई अगर इसमें प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो, ऑलराइट। सो इसके बाद में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।